हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीना निटिंग। आज देखिए, एक कलर में एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ और इसे आप लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, किड स्वेटर, स्टॉल में, शॉल में, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है देखिए। और रॉन्ग साइड से ये ऐसे दिखाई देता है देखिए, और राइट साइड से ये देखिए, ये सारी रोज इसकी ऐसे आती हैं पर्ल वाइज। तो यहाँ पर देखिए, ये पैटर्न बहुत ही उभर कर आता है और बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है। तो चलिए आज इसको बनाना सीखेंगे। इसको बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हमें 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और 6 ही फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे हैं। यानी कि आप किसी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई करें तो 6 के मल्टीपल में फंदे डालें और 6 ही फंदे एक्स्ट्रा रखें, तो आपका पैटर्न बिल्कुल फिट आएगा। 12 सिलाई का हमारा पैटर्न है, यानी कि 12 रोज में हमारा पैटर्न ही कम्प्लीट होता है। तो राइट साइड से ही स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर 6 के मल्टीपल में फंदे लिए ये मैंने, और 6 ही फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो टोटल हमारे 18 फंदे हैं। राइट साइड से हम इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्टिच का इसे बगैर बुना उतार लेते हैं। 4 फंदे उल्टे बुनेंगे देखिए, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे बुनेंगे देखिए, फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4, लास्ट का एक फंदा स्टिच का है, राइट साइड है, तो ये हम सीधा बुनेंगे इस फंदे को। देखिए, सिलाई यहीं पर कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। उल्टी सिलाई में जैसे फंदे नजर आएंगे हम वैसे ही बुन लेंगे। पहला फंदे को बगैर बुना उतारेंगे, 4 फंदे यहाँ पर देखिए सीधे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, 4 फंदे सीधे, और एक फंदा स्टिच का है, रॉन्ग साइड है, तो ये फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी सिलाई यहीं पर कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं देखिए सीधी सिलाई में। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हमें ट्विस्ट करना है। देखिए, ये वाला फंदा हम आगे लाएंगे और इसको हम पहले बुनेंगे और इस वाले फंदे को भी बुन लेंगे। यानी कि दोनों फंदे हमें सीधे बुनने हैं, लेकिन इन फंदों को हमने ट्विस्ट किया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब फिर से देखिए फ्रेंड्स, इस वाले फंदे को आगे लेकर आएंगे ऐसे, और दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे देखिए इस तरीका से। अभी 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बुन लिया हमने उल्टी सिलाई में। फिर से जैसे फंदे नजर आएंगे वैसे ही बुनेंगे, सीधे पर सीधे फंदे बुने जाएंगे और उल्टे पर उल्टे फंदे बुन लेंगे। यानी कि 4 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, लास्ट का एक फंदा स्टिच कर इसे उल्टा बुन लेंगे। आ जाते हैं देखिए सीधी सिलाई में। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहले फंदे को बगैर बुना उतार देंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए, अब एक फंदा सीधा बुन लेंगे। देखिए, अब ध्यान से देखिए, धागे को 2 बार ऐसे नीडल पर लपेटेंगे देखिए, और एक फंदा सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। देखिए, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को 2 बार नीडल पर लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे देखिए ऐसे। अब 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, लास्ट का एक फंदा सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे देखिए ऐसे। अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में।
पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिए ये वाला फंदा एक उल्टा, और इस फंदे को खोलते हुए देखिए इसको भी हम एक बार उल्टा बुन लेंगे और एक ही फंदा हमारा उल्टा। तो ये तीन फंदे हमने यानी के उल्टे बुने। अब फिर से चार फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए एक फंदा ये उल्टा, और इस फंदे को खोलते हुए देखिए इसको भी उल्टा बुन लेंगे और एक फंदा और उल्टा। तो ये टोटल तीन फंदे उल्टे और चार फंदे सीधे। लास्ट का एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब आ जाते हैं सीधी सिलाई में। देखिए ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब देखिए एक फंदा हम यहाँ से बनाएंगे। देखिए एक फंदा ये बीच का, फिर से एक फंदा बनाएंगे देखिए, और एक फंदा ये सीधा। तो यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर देखिए पांच फंदे हो गए हैं। अब देखिए चार फंदे उल्टे बुनेंगे। फ्रेंड्स देखिए फिर से ध्यान से देखिए, एक फंदा हमारा यानी कि तीन फंदे हैं, हमें पांच करने हैं। एक फंदा ये बना सीधा बुना, एक फंदा यहाँ से बनाएंगे, एक फंदा ये बुनेंगे, एक फंदा फिर से यहाँ से बनाएंगे, और एक फंदा ये सीधा। तो ये टोटल हमारे देखिए पांच फंदे हो गए हैं। अब चार फंदे उल्टे, लास्ट का एक फंदा सीधा। देखिए अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे, पांच फंदे यहाँ पर देखिए उल्टे बुन लेंगे। देखिए चार फंदे सीधे, फिर से पांच फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। आ जाते हैं देखिए सीधी सिलाई में। अब देखिए एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे ऐसे बैक साइड से, एक फंदा बुन लेंगे। अब यहाँ पर दो फंदों का एक करेंगे सामने से इस तरीके से। तो ये हमारे तीन फंदे रह गए, पांच में से हमने तीन कर लिए हैं। अब फिर से चार फंदे उल्टे बुनेंगे। अब देखिए फिर से बैक साइड से दो फंदों का एक कर देंगे, एक फंदा बुन लेंगे, सामने से दो फंदों का एक करेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई जैसे फंदे नजर आएंगे वैसे ही बुनेंगे। तो ये चार फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए आ जाते हैं सीधी सिलाई में। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पहला फंदा बगैर बुना उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए इस फंदे को हम ऐसे ही बगैर बुना उतार लेंगे पर्ल वाइज देखिए, और दो फंदे बुन लेंगे। और देखिए इस फंदे को हम इस पर से उतार देंगे इस तरीके से। देखिए अब चार फंदे उल्टे बुनेंगे, इस फंदे को फिर से ऐसे बगैर बुना उतारेंगे, दो फंदे बुनेंगे, इस फंदे को इस पर से उतार देंगे देखिए ऐसे, और चार फंदे उल्टे बुन लेंगे। लास्ट का एक फंदा सीधा बुनेंगे। उल्टी सिलाई जैसे फंदे नजर आएंगे ऐसे ही बुनेंगे ठीक है। चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे,
चार फंदे सीधे और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई और इस तरीके से पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर ये इस तरह से हमने बीच में बनाए हैं। आप यहाँ पर से स्टार्ट कीजिएगा दोबारा से, आप चाहें तो इसके ऊपर बना सकते हैं या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है यहाँ बीच के फंदों पर, हम यहाँ पर दो फंदों पर बनाएंगे। तो इस तरीके से पैटर्न बनकर आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आऊँगी फिर से एक नया पैटर्न लेकर आपकी खिदमत में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।